क्या हुआ है? हाय बिटिया को रजियोल सिंह ने आश्रम में मार के गाड़ दिया। आप लोग आश्रम पहले आई थी? हम पहले दुपरे नारायण दीक्षित को लेके आए थे, पूरा आश्रम खोल के दिखा दिया। ये कोठी जो 3 मंजिल की नहीं दिखाई, कहने लगे इससे कोई मतलब नहीं है, ये इस पे चल रहा मुकदमा। और इसी में मेरी लड़की बंद थी, हमने दरोगा जी को फोन किया, प्रेम नारायण दीक्षित को फोन नहीं उठाया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। अगर ये आ जाते मेरे साथ में तो मेरी लड़की जिंदा मिल जाती। ये रजोल सिंह कौन है? रजोल सिंह एक जल्लाद आदमी है भैया, अशोक सिंह का भाई है। कितना समय हो गया आपकी लड़की गायब? 2 महीने हो गए, 3रा महीना चल रहा है। पुलिस के पास कब गई थी आप? पुलिस प्रशासन के पास हम 8 तारीख को लड़की उठाई गई थी, 9 तारीख से जाना शुरू किया, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। यही कहा कि तुम्हारी लड़की बालिक है, कहीं भाग गई हो कि आ जाएगी बयान करेगी। कौन कह रहा था ये? जितने अधिकारी हैं, सीओ, इंस्पेक्टर, सबने यही कहा। एसपी साहब से 1.5 महीने तक हमसे मिलने नहीं दिया, कहे तुम्हारी लड़की बालिक है, किसी के साथ में गई होगी तो आ जाएगी बयान करेगी आके। और सीओ साहब यही कहते रहे कि जैसे हमें पता चलेगा हम बताएंगे। कहने लगे 3 टीमें तुम्हारी लड़की को ढूंढने के लिए लगी हैं। अब कोई टीम नहीं लगी थी, अभी 25 तारीख को मैटर एसओजी सर को दिया गया है, मेरी लड़की को बराबर बोलते रहे। 8 दिसंबर को एक युवती की गुमशुदगी की सूचना थाना कोतवाली में प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर गुमशुदगी दर्ज किया गया और उसके बाद में फिर FIR में तर्मीम करके जो संदेही व्यक्ति गिरफ्तार करके जांच की जा रही थी। उसी जांच के क्रम में आज ये डेड बॉडी यहाँ से प्राप्त हुई है। इस डेड बॉडी का हम पोस्टमार्टम करा करके आगे जो भी कारण रहे हैं उसकी जांच करेंगे और इसमें जो भी व्यक्ति शामिल हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुसंगत धाराओं में की जाएगी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने मुकदमा देर में लिखा है। भाई सचिन भाई, ये बात तो पूरी तरीके से ये सही नहीं है। पहले गुमशुदगी दर्ज की गई थी क्योंकि युवती बालिक थी और नियमानुसार कार्रवाई की गई। जब ये हमें जांच के बाद जो प्रथम जांच अधिकारी था उसने बताया, इसमें इस बात के संदेह है कि जो आरोपी है उसके द्वारा कोई घटना कारित की गई होगी, मोहित के आधार पर इसको अभियोग में पंजीकृत करके और इसमें आगे की कार्रवाई की गई और उसी विवेचना के क्रम में आज यहाँ पे डेड बॉडी बरामद की। आप लोगों को इसमें जेल भेजा गया है? एक व्यक्ति को इसमें जेल भेजा गया है और भी उसके जो संगी साथी हैं उसका पता करके हम लोग उनको भी जेल भेजा गया।